हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ज्योग्राफी कर रहे थे, तो आज हम करेंगे वो वीडियो है, उसमें है हाईएस्ट पीक्स ऑफ स्टेट। आपने देखा होगा, आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन आया था कि उस स्टेट की हाईएस्ट पीक बताओ। जैसे मध्य प्रदेश की कौन सी है, गुजरात की कौन सी है, तमिलनाडु की कौन सी है, केरला की, तो ये आपको सब पता होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि ये बताऊं सब पीक्स, और थोड़ा आपको याद भी करवाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है तेलंगाना, जो तो तेलंगाना की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है लक्ष्मी देवी पल्ली। तो आपको ये याद रखना है कि जो लक्ष्मी देवी है पल्ली, वो कहाँ से होगा, ये आएगा तेलंगाना, यानी लक्ष्मी देवी को आप रिलेट कर लीजिए तेलंगाना से। और मध्य प्रदेश की तो ये है धूपगढ़, और ये कहाँ पे है, ये सतपुड़ा रेंज में है। तो जो मध्य प्रदेश में, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ धूप बहुत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ की धूपगढ़ है। उड़ीसा की देवमाली, तो उड़ीसा में जो है देव है बहुत, इसलिए देवमाली को याद करना है। और ये कहाँ पे, ये है पूर्वी घाट में। त्रिपुरा की है बेटला गंछिप, यहाँ पे छिपने का आ जाए वहाँ आपको त्रिपुरा याद रखना है, क्योंकि त्रिपुरा त्रिपुरा, तो इसमें देखिए त्रि तीर तीर आ रहा है, तीर तो तीर जाओ पता चुपना पड़ता है, इसलिए त्रिपुरा बेटला बेटलांग शिप। सिक्किम, सिक्किम तो आपको पता ही है कंचनजंगा। गोवा, गोवा की है सोसो गाद, तो गोवा जाके काफी बंदे सोते हैं, इसलिए आपको सोसो गाद याद रखना है। तमिलनाडु डोडा बेटा, जैसे आपको पता है तमिलनाडु के कितने बेटे हैं जो चेस बहुत अच्छी खेलते हैं, तो डोडा बेटा आपको याद रखना है तमिलनाडु की, आशा है आप याद रखेंगे। गुजरात की गिरनार, आपको जैसे कि पता है गुजरात जो है गिर यानी कि चेयरों के लिए बहुत फेमस है, तो इसकी हाईएस्ट पीक भी आपको गिरनार याद रखनी है। और यूपी की है अमसोट पीक, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, इसके इससे आपको थोड़ा मॉडर्न याद रखना है नाम, अमसोट पीक। अमसोट पीक कहाँ की है, यूपी की। असम की, असम की जो कोई पीक का नाम नहीं दिया गया, इसका कोई नाम नहीं रखा है, बस है एक ऊंची पीक है काफी, कोई नाम नहीं रखा है। झारखंड की पारसनाथ, आपको पता है जैसे झारखंड रांची के धोनी है और पारस एक हीरा होता है, वो काफी कीमती, तो आपको इसलिए पारसनाथ है इसकी झारखंड की। महाराष्ट्र की कलसुबाई, बाई वगैरह बहुत होती है वहाँ, मुंबई में लोगों ने लगाई होती है इस काम के लिए, तो कलसुबाई कहाँ की है, मुंबई की। मेघालय की शिलोंग पीक, जैसे कि आपको पता है मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। केरला की अनाईमुड़ी, तो ये अनाईमुड़ी जो आपको याद करनी है केरला की, बहुत इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन पूछा जाता है अनाईमुड़ी कहाँ की है, तो ये है केरला की। कर्नाटका की मुलयनगिरी, कर्नाटक की क्या है, मुलयनगिरी। बिहार की सोमेश्वर फोर्ट, बिहार की है सोमेश्वर फोर्ट। उत्तराखंड की नंदा देवी, राजस्थान की गुरु शिखर, यानी कि आप याद रखें राजस्थान में बहुत ज्यादा गुरु हैं, इसलिए गुरु शिखर। हिमाचल प्रदेश की तो आपको पता ही है शिला, छत्तीसगढ़ की गोरलाता, आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा, मणिपुर की खायंग, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो, नागालैंड की सारामती, वेस्ट बंगाल की संदकफू, देखिए कितने टफ नाम है, हरियाणा की करो या मोरनी हिल्स, जो चंडीगढ़ के पास है मोरनी हिल्स, वो हरियाणा की सबसे अच्छी है, और इसको करो के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब की जो है ये नैना देवी के पास है, लेकिन इसका कुछ नाम नहीं लिया, तो अनदेव है। मिजोरम फांगफुई, ये आपको पता है इन्हें फांगफुई को ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, तो ये फांगफुई कहाँ की है, मिजोरम की।
आशा है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब हाईएस्ट पीक्स याद रहेगी। इसके बाद आप बुक से जरूर पढ़िए, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इन्हें, फिर हो जाएगा ये। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।